पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के पवित्र वचन रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 25 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करे, जिसका फल विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु अपना रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करे। क्या प्रभु यीशु ने कोई पाप किया? प्रभु यीशु निष्कलंक थे, प्रभु यीशु पवित्र थे, प्रभु यीशु दयालु है, प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं किया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने चाहा कि प्रभु यीशु मानव जाति के पापों को धोने के लिए, मानव जाति के पापों को मिटाने के लिए, मानव जाति के पापों के द्वारा जो दंड मिलने वाला है उसको मिटाने के लिए अपना रक्त बहाकर मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करें। क्योंकि पवित्र वचन कहता है रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में इस प्रकार कहता है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा से वंचित है। पाप क्या है? पाप के विषय में हम क्या समझते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि केवल हत्या करना ही पाप है, कुछ लोग सोचते हैं चोरी करना ही पाप है, कुछ लोग सोचते हैं व्यभिचार करना ही पाप है। लेकिन गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 21 से अगर हम आगे पढ़ेंगे, 20-21 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है क्रोध करना भी पाप है, मन मुटाव रखना भी पाप है, दलबंदी करना भी पाप है, लालच भी पाप है, और स्वार्थपरता, रंगरेलियां, ये सब कुछ पाप है। और प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि इस प्रकार के कुकर्म करने वाले ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, नरक जाएंगे, पाप की मृत्यु का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन यूं कहता है रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23, पाप का वेतन मृत्यु है किंतु ईश्वर का वरदान है प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये तो हम सब जानते हैं कि अगर हम अपने खेत में गेहूं बोएंगे तो हम अंगूर नहीं तोड़ सकते हैं, अगर हम अपने खेत में गन्ना बोएंगे तो केला प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो हम बोते हैं वही हमको स्वीकार करना पड़ता है। यदि हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, यदि हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कायन से भी कहा था तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, यदि तुम भला करोगे तो भला होगा, वरना पाप हिंसक पशु के समान तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठा रहेगा। इसलिए पाप का वेतन मृत्यु है। अगर हम पाप करते हैं तो बदले में उसका फल मृत्यु मिलती है। पाप क्या है? परमेश्वर के प्यार को ठुकरा देना, सही शिक्षित अंतःकरण की आज्ञा ना मानना, वो सब काम जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं, जिन कामों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, पाप है। और जब एक मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाता है तो उसके बदले में उसको मिलता है विनाश, उसके बदले में मिलता उसको अभिशाप, उसके बदले में मिलता उसको बेबसी, उसके बदले में मिलती है कंगाली, बीमारियां, अशांति और मृत्यु। जो अपने पापों से फिरकर, अपने पापों से मुड़कर प्रभु के पास आ जाते हैं
जो अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं उनको अनुग्रह में यीशु के रूप में, वरदान के रूप में अनंत जीवन मिलता है, शांति मिलती है। प्रभु यीशु में अनंत जीवन मिलता है, ऐसा जीवन जिसका कोई अंत नहीं हो, सब कुछ का अंत हो जाता है। संसार की कितनी भी मजबूत, कितनी भी शक्तिशाली कोई धातु हो, उसका भी अंत होगा। इस्पात हो, स्टील हो, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, एक दिन सब का अंत होता है। इस संसार में चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उसका भी अंत होता है। दिन का अंत होता है, रात का अंत होता है, अंधकार का अंत होता है, प्रकाश का अंत होता है। लेकिन जो आत्मा में है, जो सांसारिक है, उन सब का अंत होता है, लेकिन जो आत्मिक होता है, जो स्वर्गीय होता है, जो प्रभु का होता है, उसका कोई अंत नहीं होता है। हमारा शरीर ये सांसारिक है, इसका अंत है, चाहे हम कितने सुंदर क्यों ना हो, चाहे हम कितने तगड़े तंदुरुस्त क्यों ना हो, चाहे हम कितने धनी क्यों ना हो, चाहे हम कितने गरीब क्यों ना हो, एक दिन इसका अंत है। बड़े से बड़े ज्ञानी इस संसार से चले गए, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े साइंटिस्ट अपने आप को बचा नहीं सके, क्योंकि वो सांसारिक उनकी बुद्धि और उनके सांसारिक ज्ञान, सांसारिक शक्ति को हासिल करके वो इस संसार से चले गए। लेकिन आत्मा में जो है, हमारी आत्मा स्वर्गीय है, इसलिए इसका अंत नहीं है। और ये ईश्वर के वरदान के रूप में हमें मिलता है, प्रभु यीशु में अनंत जीवन। लेकिन हम सांसारिक बातों की ओर हमारा तीव्र झुकाव होता है, सांसारिक बातों में फंसने के बाद, सांसारिक रीति रिवाजों में फंसने के बाद हम ईश्वर की ओर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार प्रार्थना में हमारा ध्यान नहीं होता है, कई बार प्रभु से हम अपना संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम वचन सुनते हैं, वचन सुनने के लिए बैठते हैं, जब हम किसी सत्संग में बैठते हैं, तो बार बार हमें सांसारिक बातों की याद आती है, अपने घर की याद आती है, अपने काम काजों की याद आती है, अपनी ड्यूटी की याद आती है, अपने धन संपत्ति की याद आती है, और हम मन नहीं लगाते हैं। जब कभी हम किसी को देखते, अपने परिचित को देखते, हम प्रार्थना में से ध्यान हटाकर उसकी ओर चले जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि सबसे बहुमूल्य चीज को हम त्याग रहे हैं, और वो है प्रभु यीशु में अनंत जीवन। यर्मिया की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 13 इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा ने दो अपराध कर डाले, उसने संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और ऐसे कुंड बनाए जिनमें पानी नहीं रुकता है। मेरी प्रजा ने दो अपराध कर डाले। दो अपराध कौन से हैं? एक तो परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया, और दूसरा उसने सांसारिक बातों में जो नाशवान हैं, जो नश्वर हैं, उन चीजों में अपनी खुशियां ढूंढना शुरू की, उन चीजों में अपनी शांति ढूंढना शुरू की। लोग नदी नाले, पहाड़, पर्वत, वृक्ष, सब जगह जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये उसी परमेश्वर के द्वारा बनाई गई, परमेश्वर की एक रचना है। ये परमेश्वर की बनाई हुई सारी सृष्टि वस्तुएं हैं। अगर परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि वस्तुएं ऐसी हैं, तो वो जो जिसने सारी इन वस्तुओं को बनाया है वो कैसा होगा? एक तो हम परमेश्वर को हमने छोड़ दिया, दूसरा परमेश्वर के द्वारा सृष्ट वस्तुओं के पीछे हम दौड़ने लगे। हमने परमेश्वर को त्याग कर उनको ही परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया। परमेश्वर का वचन कहता, मेरी प्रजा ने दो अपराध कर दिए, मेरी प्रजा ने दो अपराध कर डाले, उसने संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया। प्रभु यीशु है संजीवन जल का स्रोत, संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और उसने ऐसे ऐसे कुंड बनाए जिनमें पानी रुकता ही नहीं है, जिनके द्वारा कोई आशीष मिलती नहीं है, जिनके द्वारा कोई आशीष का कोई जरिया ही नहीं है। आशीष
पाने की बजाय आशीष चली जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्रानियों 12 अध्याय पद संख्या 6 इस प्रकार कहता है, क्योंकि ईश्वर जिसे प्यार करता है उसे दंड भी देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कौड़े भी लगाता है। प्रिय भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, हमें सही मार्ग पर चलाने के लिए, हमारा जीवन सही करने के लिए परमेश्वर हमें सजा देता है। जिस प्रकार एक पिता जब यह सुनता है कि उसका बेटा शराब पीने लगा है, उसका बेटा जुआ खेलने लगा है, उसका बेटा अन्य प्रकार की बुराइयों में फंस गया है, नशीली वस्तुओं का सेवन करता है, तब पिता अपने बच्चे के सुधारने के लिए, उसके प्राण लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे को सुधारने के लिए, उसके जीवन को सुधारने के लिए, उसके जीवन को एक अच्छा भला बनाने के लिए उसको दंड देता है, उसको सजा देता है, उसको डांटता है, उसको फटकारता है, उसको ताड़ना देता है। अगर एक पिता है, सच्चा पिता है, तो अपने पुत्र को उसकी गलती पर ताड़ना देगा, लेकिन उसका जीवन नहीं छीनेगा। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर हमें अपना पुत्र मानता है, परमेश्वर हमें अपना पुत्रियां मानता है, और जब हम परमेश्वर से भटक जाते हैं, सांसारिकता में लीन हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 17 पद संख्या 27 और 28 इस प्रकार कहता है, ये इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करें। अगर हमारे जीवन में हमारी कमियों के कारण, हमारे पापों के कारण हमें सजा मिलती है, हमें दुख मिलता है, हमें दंड मिलता है, हमें चोट पहुंचाई जाती है, तो इसका कारण यह है कि हम अपने पापों को छोड़ दें, अपने पापों से प्राश्चित करें और परमेश्वर की खोज में लगे रहें, परमेश्वर का अनुसंधान करें, परमेश्वर को खोजने में लगे रहें, हर बात में परमेश्वर की इच्छा को खोजें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाप के कारण हम अवश्य ही मर जाते हैं, लेकिन प्रभु ईश्वर नहीं चाहता कि हम मर जाएं। एजेकियल 18 अध्याय और पद संख्या 32 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं किसी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर किसी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है कि पापी अपने पाप के मार्ग को छोड़े और परमेश्वर के पास वापस लौट आए। परमेश्वर पापियों को प्यार करता है, परमेश्वर पापियों को गले लगाता है। दूसरा इतिहास अध्याय 33 पद संख्या 12 और 13 में इस प्रकार लिखा है कि जब वे किसी विपत्ति में पड़ गया तो उसने बड़ी दीनता से अपने पूर्वजों के ईश्वर से प्रार्थना की और प्रभु को तरस आया और प्रभु ने उसकी पुकार को सुना। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम बड़ी दीनता से अपनी विपत्तियों में, जो पापों के कारण हमारे जीवन में आ जाती हैं, और जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तरस के साथ पुकारते हैं, बड़ी दीनता के साथ पुकारते हैं, बड़ी लाचारी के साथ पुकारते हैं,
बड़ी विनम्रता के साथ पुकारते हैं, जैसे कि मती का सुसमाचार अध्याय 8 में लिखा है कि ईसा पहाड़ी से उतरे, एक गांव में गए और एक बड़ी भीड़ उनके पास आई और एक कोढ़ी ने उनके पास आकर दंडवत किया और कहा, प्रभु यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। कोढ़ी प्रभु के पास आया, प्रभु को इसने बड़ी दीनता के साथ दंडवत किया, सष्टांग प्रणाम किया। सष्टांग प्रणाम का अर्थ क्या है? सष्टांग प्रणाम का अर्थ, सष्टांग प्रणाम का अर्थ है अपने सारे अंगों से, षष्ठ अंगों से प्रणाम करना, यानी अपने आप को दीन बना लेना, अपने आप को शून्य बना लेना, उसके अधिकार को अपने जीवन में धारण कर लेना, उसका दास बन जाना और उसको अपना स्वामी मान लेना। जब इस कोढ़ी ने प्रभु यीशु के सामने बड़ी दीनता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ घुटने टेक कर दंडवत करके, सष्टांग प्रणाम करके जब अनुनय विनय की कि प्रभु यदि आप मुझे चाहें तो शुद्ध कर सकते हैं, तब प्रभु यीशु ने कहा, बेटा मैं तो यही चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। हमारी विनम्रता, हमारी दीनता परमेश्वर के दिल को पिघला देगी। परमेश्वर हम पर तरस खाएगा, परमेश्वर हमारी आंखों के आंसुओं को पोंछ डालेगा, परमेश्वर हमारी पुकार को सुनेगा। दूसरा इतिहास अध्याय 36 पद संख्या 15 इस प्रकार कहता है कि ईश्वर उसके पास अपने दूतों को निरंतर भेजता रहा, क्योंकि उसे अपने प्रजा और अपने मंदिर पर तरस आता था। परमेश्वर अपने प्रजा और अपने मंदिर पर तरस खाता है। प्रिय भाई बहनों, मती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 32 में भी इस प्रकार लिखा है, मुझे उन लोगों पर तरस आता है। जब भीड़ की भीड़ प्रभु के पीछे चल रही थी और प्रभु ने देखा कि ये कई दिन से भूखे हैं, बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह भटक रहे हैं, तो प्रभु ने यही कहा कि मुझे इन लोगों पर तरस आता है। हमारा प्रभु तरस खाने वाला ईश्वर है, हमारा प्रभु दया करने वाला ईश्वर है। मती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 36, ईसा को उन पर तरस आया, ईसा ने उन पर तरस खाया। एक नाइन नगर की विधवा, उसका इकलौता बेटा था और वो अपने बेटे की अर्थी के साथ आगे आगे आंसू बहाती हुई जा रही थी। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 13 उसमें लिखा है कि माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया। जब इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई, ये माँ बिलख रही थी, माँ रो रही थी, माँ आंसू बहा रही थी, तो उस माँ को देखकर प्रभु को, माँ की आंखों के आंसू को देखकर प्रभु को तरस आया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु हम पर भी तरस खाने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसकी शरण में आए, प्रभु चाहता है कि हम उसके पास आए, अपने पाप के मार्ग छोड़ दें और उसके पास वापस लौट आए, जैसे उड़ाऊ पुत्र वापस लौट आया, अपने पापों से प्रायश्चित करके वापस लौट आया, जैसे खोया हुआ सिक्का दोबारा मिल गया और लोगों ने आनंद मनाया, जैसे उड़ाऊ पुत्र आया और आनंद मनाया गया, वैसे ही स्वर्ग में भी हमारे और आपके लिए आनंद मनाया जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता,
मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को पापी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि सब ने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबको ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझे अपनी कृपा से भर दे, मुझ पर दया कर, मुझे उड़ाऊ पुत्र के समान तेरे पास वापस आने की शक्ति प्रदान कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। जय यीशु की।